पहली बार डर्बन में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया और इस जीत के सबसे ज्यादा योगदान दिया कप्तान विराट कोहली की 112 रन की पारी। दक्षिण अफ्रीका को भारत ने 6 विकेट से हराया। इस वक्त की बड़ी खबर, विराट कोहली ने मैच में 112 रन बनाए। एक वक्त ऐसा था कि जब टीम ने थोड़ी सी मुश्किल में थी, लेकिन उसके बाद विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे के बीच एक अच्छी साझेदारी हुई। रहाणे ने टीम में वापसी करते हुए 79 रन की पारी खेली और पहली बार डर्बन में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया। ये देख सकते हैं आप स्कोरबोर्ड, 270 रन, 4 विकेट के नुकसान पर विराट कोहली 112 रन, अजिंक्य रहाणे 79 रन, शिखर धवन उन्होंने बहुत तेज 35 रन बनाए। कल विराट कोहली 112 रन 119 गेंदों में और सबसे खास इस पारी की यही जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, सिर्फ 10 चौके, कोई छक्का नहीं, यानी कि सिर्फ 40 रन उन्होंने बाउंड्री के थ्रू बनाए, बाकी सब उन्होंने भाग के बनाए। काफी बड़ा ग्राउंड है, स्ट्राइक बहुत अच्छी तरीके से रोटेट किया विराट कोहली ने। ये आप देख रहे हैं जीत के तीन हीरो, विराट कोहली कप्तान 112 रन, अजिंक्य रहाणे 79 रन, और उससे पहले बॉल के साथ कमाल दिखाया कुलदीप यादव ने, क्योंकि एक बार ऐसा लग रहा था कि शायद दक्षिण अफ्रीका एक बड़े स्कोर की तरफ चला जाए, उसके बाद स्पिनर्स ने अपना कमाल दिखाया और कोई भी दक्षिण अफ्रीका गेंदबाज भारत के सामने टिक नहीं पाया। ये आप देख रहे हैं विराट कोहली का स्कोर बोर्ड, 112 रन 119 गेंदे, सिर्फ 10 चौके, यानी कि सिर्फ महज 40 रन उन्होंने बाउंड्री से बनाए, कोई छक्का नहीं है, स्ट्राइक रेट 94.1 का, बहुत ही बेहतरीन पारी, 270 रन के टारगेट मिला था टीम इंडिया का। उससे पहले ये आप देख सकते हैं डर्बन वनडे में जीत के ये तीन हीरो, विराट कोहली कप्तान 112 रन, अजिंक्य रहाणे 79 रन और कुलदीप यादव चाइनामैन बॉलर, जिन्होंने 3 विकेट लिए। तो ये आप देख रहे थे जीत के तीन हीरो, लेकिन इन सब के बीच सबसे अच्छी और बेहतरीन पारी खेली खुद कप्तान विराट कोहली ने, 112 रन की पारी 119 गेंदों में 10 चौकों के साथ। हम अपने डर्बन वनडे में बैटिंग की बात करें तो रोहित शर्मा ने 20 रन बनाए 30 गेंदों में, थोड़ी सी संभली हुई पारी की शुरुआत करी उन्होंने, 2 चौके और 1 छक्का उन्होंने लगाया, उसके साथ दिया शिखर धवन जिन्होंने 29 बॉलों में 35 रन बनाए, 6 चौके लगाए उन्होंने अपने 35 में, 120 का स्ट्राइक रेट, काफी तेज खेल रहे थे। और उसके बाद विराट कोहली और शिखर के बीच एक मिसअंडरस्टैंडिंग जिसमें शिखर धवन रन आउट हो गई। देख रहे हैं टीम इंडिया का स्कोर कार्ड, 270 रन, 6 विकेट से जीता है भारत, सिर्फ 4 ही विकेट खोए, 112 रन, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे 79 रन, शिखर धवन 35, और चाहे वो मॉर्कल हो, फुलकेयो हो। दोस्तों आप सबका स्वागत है टेक्निकल गुरुजी रिएक्शन चैनल में। मैं इंडिया को मुबारकबाद देना चाहता हूं, 270 रन इंडिया ने बनाए और जीत गया 4 विकेट खोकर साउथ अफ्रीका को। जबरदस्त प्रदर्शन किया विराट कोहली ने, उनको मुबारकबाद और पूरे टीम को मुबारकबाद, रहाणे को एंड धवन को एंड स्पेशली और बॉलर स्पिनर को, सबको मुबारकबाद। बहुत अच्छा लगा इंडिया जीते ये टूर्नामेंट, यही उम्मीद करते हैं। शुक्रिया, फिर मिलते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और बेल बटन को दबाइएगा ताकि हम नेक्स्ट चैनल में आपसे मिल सके। लाला, बाय बाय, सी यू गाइस।